पानी के प्रहार ने उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और असम तक हाहाकार मचा दिया है। उत्तराखंड के 9 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी संकट है। आज भी वहां बहुत तेज बारिश हो सकती है, इसी खबरें मिल रही है। और इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां के जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। दोनों ही राज्यों में बारिश ने अपना डर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धस रही हैं और नदियां उफान पर हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र भी बादलों में बरसना वहां भी शुरू कर दिया है और मुंबई के पास के इलाके डूबने शुरू हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने लगा है, लोगों को उनके घरों से निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये चार तस्वीरें हम आपको राज्य दर राज्य के दिखा रहे हैं जहां बारिश का कहर बरप रहा है इस वक्त। बारिश का कहर इस कदर है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक ऐसा वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लोग जान पे खेल रहे हैं। वहां दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सैलाब के खतरे को नजरअंदाज कर उसे पार करने की कोशिश करते दिखे और पानी के तेज बहाव में उनकी बाइक आ गई और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने के बजाय मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में लगे रहे। राहत की बात ये रही कि किसी तरह दोनों की जान बच गई। हालांकि इस बात को नजरअंदाज करते हुए दो बाइक सवार इसे पार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़े नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गए और इनके बाइक अचानक पलट गई और बाइक के साथ ही दोनों युवक भी बहने लगे। हालांकि युवक किसी तरह संभले, इन्होंने अपने बाइक को बचाने की कोशिश की। अब तस्वीरें हम आपको यहां दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक ऐसा इलाका जहां पानी का तेज बहाव आ रहा है और ये बाइक सवार ये देख रहे हैं कि यहाँ पानी का तेज बहाव है, लेकिन फिर भी दोनों यहाँ पे बाइक से गुजरने की कोशिश करते हैं और उसके बाद दोनों के दोनों गिर जाते हैं। अब इसमें इनकी गलती और लापरवाही क्या होती है कि ये अपनी जान नहीं बचाते, बल्कि इनके लिए महत्वपूर्ण है कि हम बाइक अपनी बचा लें और बहुत देर तक ये मशक्कत बाइक को बचाने के लिए कर भी रहे हैं। हालांकि राहत की बात है कि इन दोनों की जान बच गई है, लेकिन कम से कम बरसात वाले इलाके में या जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, कम से कम आप इस तरीके से खतरे से ना खेलें। ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप इस घटना से सबक लें। ये घटना सबक लेने के लिए है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में गंगा का पानी घाट तक पहुंचा नजर आया, वहां सीढ़ियां ही दिखनी बंद हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग पानी में उतरे हुए दिखे। आप देखिए, यहां भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, यहां भी खतरों से खेल रहे हैं। ठीक है, आस्था आपकी है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप इस तरीके से जाएं जहां गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। कभी गंगा का लेवल कम हो रहा है, मगर कभी अचानक से बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से घाट पर स्नान करने पहुंच रहे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। और जरा सोचिए उस SDRF टीम के लिए कि बारिश के आलम में उनको कहां कहां जाना पड़ता होगा। ऐसे में आप सभी से गुजारिश यही है कि प्लीज आप इस तरीके से खतरे से ना खेलें। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा का पानी बहुत बढ़ चुका है, घाट तक पहुंचा गंगा का जलस्तर, यानी सीढ़ियां दिखनी बंद हो गई है। अब आलम यह है कि इसमें आप बैरिकेडिंग भी नहीं कर सकते हैं। अमूमन हमने देखा है कि तीर्थ स्थलों पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि आपको यहां से आगे स्नान करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन आप देखिए यहां पे अगर लोग जरा सी भी लापरवाही करते हुए नजर आते हैं तो फिर सीधे उनकी जान पर बनानी है। लेकिन क्या महिला क्या पुरुष, ये सभी आस्था के नाम पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी कम से कम बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में, इन इलाकों में कम से कम आप ना जाएं और अपने घर पर ही रह के पूजा पाठ करें। यह ऋषिकेश की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हर दिन लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचते हैं और गंगा स्नान करते भी हैं, लेकिन फिलहाल खतरा बढ़ा हुआ है। कहा यह जा रहा गंगा के बारे में कि कभी अचानक से जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है और कभी कभी अचानक से पानी बढ़ जा रहा है। तो ये गंगा की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम सीढ़ियां पानी में हैं, यानी सीढ़ियों के जरिए आपको पता चलता है कि कितना पानी कहां पे है। अभी कोई बैरिकेडिंग नहीं है। अगर आप इन दिनों ऋषिकेश जा रहे हैं तो कम से कम इस खतरे को जरूर भांपते हुए आप संभल कर रहिए। उत्तराखंड की इस वक्त हम बात करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी भारी बारिश हुई कि वहां एक पुल ढेर हो गया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला यह पुल लोगों के लिए
लाइफलाइन था, मगर पुल टूटने से गाड़ियां फंस गई हैं, मतलब यहां से अब गाड़ियां मूव नहीं कर सकती, पूरी तरह ट्रैफिक ठप पड़ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मॉनसून के आलम में आप पहाड़ी इलाकों में सफर ना करें। उन लोगों की तो मजबूरी है जो वहीं के रहने वाले हैं और उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उन्हें इधर से उधर मूव करना ही होगा। लेकिन इसी खतरे को हम बार बार आपको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है अगर इन दिनों आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो ऐसी स्थिति का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों के लिए लाइफलाइन बना पुल ये अभी धराशायी हो चुका है। बारिश ने जर्जर पुलों को बहुत कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि जो जर्जर पुल हैं वो धराशायी हो जा रहे हैं। नैनीताल की इस वक्त हम बात करेंगे अपनी खूबसूरती के लिए। मशहूर नैनीताल में चप्पे चप्पे पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से वहां तराई के इलाके तो पानी पानी है ही, पहाड़ भी अब टूटने लगे हैं। नैनीताल से सामने आए एक वीडियो में नजर आया कि एक पहाड़ बारिश की मार झेल नहीं पाया और दरक गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उत्तराखंड के नैनीताल की दिखा रहे हैं और नैनीताल जो कि अमूमन सैलानियों की पहली पसंद रहता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत करीब है नैनीताल, बाय रोड हम जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। लेकिन इन दिनों उसी नैनीताल, खूबसूरत शहर नैनीताल की क्या स्थिति है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी तांडव कर रही है। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी उफान पर पहुंच गई है, नदी तट को बिल्कुल छू कर बह रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों की दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी, विष्णुप्रयाग, ये दोनों जगह की, ये दोनों नदियों की स्थिति ये है कि अपने सामान्य दिनों में जो इसका जलस्तर होता है उससे ऊपर बह रही है, यानी खतरे के निशान से ये दोनों ही नदियां ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी इलाके इन दिनों आपके सफर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उत्तराखंड के बाद हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की इस वक्त हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पर भी बारिश के काले बादल मंडरा रहे हैं। वहां के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अब वो जिले कौन कौन से हैं एक एक करके हम आपको बताते हैं। गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, देवरिया, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी जैसे शहरों में बारिश की आशंका ही नहीं जाहिर की जा रही है बल्कि बारिश वहां पे हो रही है। मुजफ्फरनगर में तो एक नहर में अचानक पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और जल समाधि ले ली। ठीक सुना आपने, सड़क के पानी में बहने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन आप सोचिए इसकी बनावट इन सड़कों के किस तरीके की हुई है कि पहली बारिश, मानसून की बारिश भी ये सड़क नहीं झेल पाया। और यूपी के ही दूसरे शहर यानी मुरादाबाद की इस वक्त हम बात करेंगे। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि वहां सड़कें नजर आना बंद हो गई हैं। पानी की वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। ये देखिए, ये मासूम बच्चा अपने घर से बाहर निकला है लेकिन एक मेड़ पे खड़ा है। वो अगर बाहर निकलना भी चाहता है तो शायद वो ना निकल पाए। ये आलम है। या आपको किसी में नदी की तस्वीर नहीं दिखा रही हूँ, एक ऐसे शहर की दिखा रही हूँ तस्वीर जहाँ लोगों ने घर तो बना लिया लेकिन जल निकासी कैसे हो इस पे ना नगर निगम ने ध्यान दिया ना लोगों ने ध्यान दिया। बेतरतीब बने इस इलाके में घरों की स्थिति यह है कि आप अपने घर से पाँव नीचे रखिए और पाँव सीधे आपका ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी में जाने वाला है। और अगर आपको कहीं से कहीं जाना है तो क्या करना है, नाव बुलाइए और नाव बुला के आप सफर करके बाहर निकल सकते हैं। और ये ऐसा जल जमाव है जो ये कहीं भी पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना, लेके जाना, सब छोड़ते हैं खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी, घर खाली कर रहे हैं ज्यादातर। जी सर। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, पश्चिम में महाराष्ट्र भी बारिश में वहां पे कहर बनकर बरस रही है। वहां मुंबई के पास ठाणे की इस वक्त मैं बात करूं, शाहपुर में लोगों के घरों में पानी भर चुका है, पुल पानी में डूब गए हैं। लोगों की जान बचाने के लिए